गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और मैं हूं आपके सामने वेद मिश्रा, और आज हम सीखेंगे कि एडवांस एक्सेल में पावर मैप का किस तरह यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल की को ओपन करते हैं, और एक्सेल को ओपन करने के बाद आज हम सीखेंगे पावर मैप का यूज किस तरह किया जाता है। देखिए दोस्तों, कोई सी भी हमारे पास कोई भी शीट हो, उसमें हम कोई भी हम स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर स्टेट्स के नेम होंगे इंडिया के, मान लेते हैं तो चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। वैसे ये एडवांस एक्सेल का पार्ट आता है, पावर पायोट और इंसर्ट के टूल के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा 3D पावर मैप। इसका यूज एडवांस एक्सेल में किया जाता है। जो आपको कैसा स्टेट दे रखे हो और आपको उसे मैप में शो करना हो एक्सेल में, तो उसे हम मैप के द्वारा शो करते हैं। और उसे किस तरह शो करेंगे वो आप देख लीजिए। सिंपल सिंपल ये गूगल मैप की तरह होता है, लेकिन एक्सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये तीन स्टेट्स के नेम को सिलेक्ट किया, और हम इंसर्ट बार में जाएंगे, 3D पावर मैप को ओपन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अपने आप एक कॉलम खुल के आएगा। देखिए यहाँ पर ये 3D मैप का ये आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर देखिए फील्ड्स आ गई, क्या होगी फील्ड्स। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। फाइल टैब में फाइल से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, होम टैब के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट की जाएगी, कोई वीडियो आपको कैप्चर करनी है, स्क्रीन की अगर कोई फोटो लेनी है, न्यू के लिए, यानी कि इसके कई सारे तरीके हैं पावर को शो करने के, उस हिसाब से आप सीन कर सकते हैं इसे। थीम्स होती हैं, जैसे कि हम आजकल जैसे मैप में आजकल ये सब देखते हैं आजकल, जैसे कि लैंड वैंड जहाँ पर दिखता है ये सारी चीजें मिलती है। एक आपका यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन रहता है, सबसे ज्यादा मैप लेबल को हम देखते हैं थोड़ा सा, तो इसमें आपका इंडिया का मैप आ जाएगा। यहाँ से इसे जूम कर सकते हैं, यहाँ से इसे माइनस कर सकते हैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे आपको फ्लैट मैप चाहिए तो ये फ्लैट दिख जाएगा आपको। लोकेशन फाइंड करनी तो यहाँ पर लोकेशन फाइंड हो जाएंगी। कस्टम रीजन देने हैं आपको, ये सारी चीजें अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह करके हम इसे पावर मैप को यूज कर सकते हैं, और इसी की कॉपीज को हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। जैसे देखिए मैं इसको यहाँ से चेंजमेंट करता हूँ, अपने हिसाब से ये चेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट वाइज हम देख सकते हैं कैसा भी ये क्या हो, और यहाँ से हम जाएंगे तो इसे सीन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको चाहिए। कंट्रोल प्लस से बड़ा हो सकता है, कंट्रोल माइनस से कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जूम नहीं कर सकते, जूम कर सकते हैं, और जैसा आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक्सेल की शीट में इसे लगा सकते हैं। तो ये था पावर मैप, जिसका बहुत ज्यादा यूज मैन किया जाता है। जितने भी आपके क्रिकेट मैच होते हैं वहां पर जो लोकेशन दिखाई जाती है वो इसी तरह दिखाई जाती है, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग्स होती है और उसमें थोड़ा सा एनिमेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक था। थैंक यू दोस्तों आपको मेरा चैनल और साथ साथ में मेरी वीडियो को देखने के लिए।